हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज था वट सावित्री व्रत मेरा। वैसे तो हम वट की बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, पर मुझे यहाँ बरगद का पेड़ नहीं मिला, तो इसलिए फिर मैं सोची कि कोई बात नहीं, मैं मंदिर में जाके भोले बाबा की, शिव जी की पूजा कर लेती हूँ। तो फिर मैं गई मंदिर और मैं सुबह से वेट कर रही थी मैं कब जाऊँगी, क्योंकि सुबह यहाँ पहले तो मैं बच्चों में बिजी रही, फिर शाम को दोपहर में बारिश होने लगी, फिर शाम को मैं गई और जब अतुल जी आए तो फिर मैं, आर्या और अतुल जी, हम तीनों गए मंदिर। फिर मैंने पूजा की और मेरी बहुत अच्छी पूजा रही। और व्रत में नहीं, व्रत तो थी, मैं व्रत थी, पर मैं वट की पूजा नहीं कर पाई क्योंकि वट का पेड़ ही मुझे नहीं मिला। तो मैंने सासू मम्मी से बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए हम यहाँ पूजा कर देंगे, बस तुम व्रत रख लेना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पूजा कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत बड़ी सी मंदिर है और अच्छा यहाँ लिंग है ताकि हम वहाँ स्नान कर सकें, स्नान करवा सके भोले बाबा को। और बहुत अच्छी मंदिर है ये। वट सावित्री व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। ये व्रत पति के लिए होता है, जो एक पत्नी रखती है लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छी हर चीज़ अच्छा हो, उनके साथ प्रोग्रेस हो, उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, मतलब उनके लिए हम रखते हैं। ये पति के लिए व्रत होता है। और इस व्रत में हम पूजा करने के बाद अपना फलहार कर सकते हैं, मतलब हम खा सकते हैं। इसमें हम फल खाते हैं और पूड़ी, मतलब मीठा आइटम खा सकते हैं, नमक वाला नहीं खा सकते हैं। तो मैंने पूड़ी और खीर खाई थी और कुछ फ्रूट्स भी खाए थे, मम्मा पूजू घंटी। तो फ्रेंड्स, इस तरह मेरी पूजा सफल हुई, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूजा की। और व्रत रखने के बाद तो पूजा करने का आनंद ही कुछ और होता है, कितना सुखमय और कितना अच्छा फील होता है जब हम व्रत रखते हैं और फिर पूजा करते हैं, तो ये आत्मा भी एकदम शुद्ध पवित्र होती है उस समय। तो ये देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हुई, तो अब मेरी पूजा हो गई। जय भोलेनाथ।